पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने शुक्रवार को फर्रुखनगर खंड के गांव फाजिलपुर में पहुंचकर स्वतंत्रता सेनानी महाशय परमानंद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का देश की आज़ादी के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर है और पथ प्रदर्शक भी है। राव नरवीर सिंह ने यह भी कहा कि हमारा यह कर्तव्य है कि सभी महाशय परमानंद द्वारा दिए गए देश प्रेम के पथ पर आगे बढ़े और देश के विकास कार्यों में आत्मनिर्भरता के शिखर को आगे बढ़ाएं। बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी महाशय परमानंद यादव का 21 मई को 104 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। गांव फाजिलपुर में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। महाशय परमानंद यादव जिला गुड़गांव के एकमात्र जीवित स्वतंत्रता सेनानी थे। देश सेवा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2018 में गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन में उन्हें राजपथ पर स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में निकाली गई झांकी में भी शामिल किया गया था। इस मौके पर पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह के साथ पंडित किशन पातली सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष, धर्मपाल सरपंच, सुनील प्रधान मोहम्मदपुर, पूर्व सरपंच सैदपुर इंद्रजीत, पृथ्वी खैतावास, प्रतेश सरपंच पातली, शीशान सरपंच जुड़ोला और एरिए के लगभग गणमान्य व्यक्ति भी यहां पर मौजूद रहे। पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि महाशय परमानंद जी ने गांव फाजिलपुर की धरा पर जन्म लेकर इस गांव की धरा को पावन कर दिया है। ऐसे सूरवीर योद्धा का जन्म जिस जमीन पर हो उस जमीन को सत सत नमन। गांव फाजिलपुर का हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं जहां पर ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का भी जन्म हुआ।